नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट मसाला पर। मेरा नाम है आकाश और आज अपन बात करने वाले हैं हिटमैन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर रोहित शर्मा के 10 सबसे करीबी दोस्तों के बारे में। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि बिना किसी दोस्त के किसी भी व्यक्ति की कल्पना करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे रोहित शर्मा के 10 ऐसे दोस्तों के बारे में जिनके बिना रोहित शर्मा रह ही नहीं सकते, यानी कि इनके बिना रोहित शर्मा की लाइफ बिल्कुल अधूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर आते हैं युजवेंद्र चहल। तो टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल रोहित शर्मा के बहुत ही खास दोस्त हैं। दोस्तों रोहित शर्मा और चहल, इन दोनों के मजाकिया अंदाज तो आप लोगों ने देखे ही होंगे और आपको चहल टीवी पर रोहित शर्मा कई बार इंटरव्यू के साथ मतलब दिखाई दिए होंगे। दोस्तों जब भी, एक छोटी सी बात बताऊं, जब भी चहल गेंदबाजी में छक्के या ऐसे मार खाते हैं तो रोहित शर्मा उन्हें हमेशा मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं और चहल के विकेट पर चहल से ज्यादा खुशी तो रोहित शर्मा को होती है। अब अपन आते हैं नंबर 9 पर। तो नंबर 9 पर आते हैं रोहित के दोस्त है अनंत, लेकिन सभी में खास है ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत भी रोहित शर्मा के बहुत ही शानदार खास दोस्त हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने गलती की हो तो ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं और हमेशा रोहित पंत को ट्रोल करते हैं। दोस्तों ये बात तो आप लोगों को बताई होगी कि रोहित शर्मा पंत को हमेशा ट्रोल करते हैं और हाँ, पंत भी छोटे होने का बहुत फायदा उठाते हैं। दोस्तों पंत छोटे होने का फायदा ऐसे उठाते हैं कि पंत कभी कभी रोहित शर्मा को गुदगुदी करते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो रोहित, इन दोनों के मजाकिया अंदाज तो आप लोगों ने देखे होंगे। अब आते हैं नंबर 8 पर। तो नंबर 8 पर आते हैं केएल राहुल, यानी कि लोकेश राहुल। दोस्तों रोहित राहुल की दोस्ती तो तभी से स्टार्ट हो गई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, यानी कि बरसों पहले। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जिगरी यार हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे यार हैं, क्या बताएं। दोनों ही इंडिया फैमिली का हिस्सा हैं, इंडिया टीम का हिस्सा हैं, जो कि दोनों में गपशप बिल्कुल लगी रहती है। दोस्तों राहुल, हाँ एक बात है कि IPL में इन दोनों की दोस्ती देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है। तो दोस्तों राहुल भी रोहित शर्मा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। अब आते हैं अपन नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर है रोहित का कलेजा, यानी कि रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी रोहित के बहुत ही खास दोस्त हैं। इनकी दोस्ती की चर्चाएं तो पूरे ब्रह्मांड में होती हैं। जब रविंद्र जडेजा विकेट लेते हैं तो उनको रोहित शर्मा शाबाशी देना बिल्कुल भी नहीं भूलते, जो कि वाकई में एक बहुत ही दमदार बात है। दोस्तों रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा की दोस्ती बिल्कुल अटूट है, इन दोनों की दोस्ती को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि इन दोनों की दोस्ती कभी ना टूटे। अब आते हैं अपन नंबर 6 पर। तो नंबर 6 पर आते हैं, रोहित की होती है जीत जब साथ होते हैं जसप्रीत, यानी कि आप लोग जान ही हो गए कि जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, बुमराह रोहित की जीत का बहुत बड़ा कारण है और इसी कारण इनकी दोस्ती की ओर या दोस्ती की डोर है ना, वो बिल्कुल अटूट है। ये दोनों मैदान और मैदान के बाहर एक दूसरे के साथ हमेशा ही मजाकिया नजर आते हैं, मजाक आते ही रहते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बूम बूम बुमराह हमेशा रोहित शर्मा के दोस्त बने रहें और इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही अटूट अंबुजा सीमेंट की तरह चलती रहे। अब आते हैं अपन नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर आते हैं रोहित का पड़ला क्यों ना हो हार्ड। रोहित का पड़ला क्यों ना हो हार्ड जब साथ में हो कायरन पोलार्ड। तो दोस्तों रोहित शर्मा के सबसे ताकतवर दोस्त हैं, ये तो थोड़ी मजे वाली बात हो गई। रोहित शर्मा के सबसे ताकतवर दोस्त पोलार्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कायरन पोलार्ड भी रोहित शर्मा के बहुत ही क्लोजी दोस्त हैं और कायरन पोलार्ड रोहित शर्मा दोनों मुंबई की ओर से खेलते हैं और इसी कारण इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई है और इस दोस्ती को तोड़ पाना यानी कि दुश्मनों के बस की बात ही नहीं है और ये दोस्ती बिल्कुल बहुत ही शानदार है। अब अपन आते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर आते हैं शिखर धवन। रोहित स्ट्राइक से रहते हैं निष्फिकर जब ओपनिंग में साथ में हो शिखर। गब्बर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर शिखर धवन रोहित शर्मा के बिल्कुल जिगरी यार हैं और इन दोनों में असीमित प्यार है। और दोस्तों जब शिखर बैटिंग करते हैं तो रोहित शर्मा निष्फिकर रहते हैं। मैंने पहले ही कहा ना, स्ट्राइक रूट को लेकर, यानी कि स्ट्राइक रेट की कोई भी फिक्र नहीं रहती और ये दोनों बहुत ही
हमेशा मजाकिया नजर आते हैं। अब आते हैं अपन नंबर 3 पर, रोहित जिसके साथ खेलते हैं डांडिया, उसका नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, पिछले 6 सालों से हार्दिक रोहित के दिल में इतने करीब आ गए हैं, दिल के इतने करीब आ गए हैं जितने कि राम विभीषण के दिल में थे। दोस्तों हार्दिक रोहित दोनों ही MI के लिए खेलते हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और इस कारण इनकी दोस्ती बिल्कुल अटूट हो चुकी है। अब इनकी दोस्ती के बारे में क्या बताएं, ये दोनों एक दूसरे के साथ TV पर हमेशा नजर आते हैं और ये दोनों इंडिया टीम की बिल्कुल शान है। इनकी दोस्ती भी बिल्कुल शानदार है, जानदार है, बिल्कुल मजेदार है। अब आते हैं अपन नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आती है विपक्षी टीम की लग जाती है बाट, विपक्षी टीम की लग जाती है बाट जब रोहित के साथ हो विराट। दोस्तों सभी लोगों को लगता है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली एक दूसरे के बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं, यानी कि लंगोटिया यार हैं यार। और रोहित के बिना विराट और विराट के बिना रोहित, इन दोनों की कल्पना करना बिल्कुल व्यर्थ है एक दूसरे के बिना। ये दोनों खिलाड़ी इंडिया के लिए बेहद ही मतलब बहुत ही शानदार करते हैं और ये इंडिया के बहुत ही बेस्ट प्लेयर्स हैं। इन दोस्तों की जोड़ी या इन दोनों की जोड़ी को तोड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इस जोड़ी को मैं नाम दूंगा जय और भीरो की दोस्ती। दोस्तों जमाना ये कहता है इन दोनों के बीच ये है वो है, वो जमाना कहता है, लेकिन मैं कहूँगा इन दोनों की दोस्ती अटूट है, अटूट थी और अटूट ही रहेगी। अब अपन आते हैं नंबर 1 पर, रोहित जिसके साथ कभी नहीं करते हैं भूल, वो है MS धोनी कैप्टन कूल। दोस्तों एक बात बताएं, रोहित शर्मा के सबसे बेस्ट फ्रेंड है MS धोनी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, रोहित शर्मा का जो सबसे पक्का वाला दोस्त है ना, वो है MS धोनी। अगर बात की जाए रोहित शर्मा सबसे बेस्ट फ्रेंड की, तो वो MS धोनी है और MS धोनी हमेशा रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे की जान है और ये दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। दोस्तों आप लोगों को वो वाक्य तो याद होगा जब 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था और धोनी रन आउट हो गए थे। तो दोस्तों रन आउट होने पर रोहित का रिएक्शन बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड था, धोनी क्राइड थे रन आउट होने के बाद, रोहित शर्मा भी बहुत ज़्यादा क्राइड थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, MS धोनी रोहित शर्मा इन दोनों की दोस्ती को तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इन दोनों की दोस्ती अंबुजा सीमेंट की तरह चलती रहे, मैं ऐसी कल्पना के साथ अपने वीडियो से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।